नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे आना हुआ? अंकल मुझे 1 लीटर दूध और 2 10-10 वाले बिस्किट चाहिए। अच्छा, और ठीक है? सब बढ़िया। क्या लगता है अंकल, इस बार इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगी? हाँ, आप जैसे दर्शक होंगे तो जीत ही जाएगी। अंकल मैच देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूँ ना। हाँ, ये तो है। हो गया अंकल? हाँ, 1 मिनट हो गया। ये लो। देखो बरसात का मौसम शुरू हो गया, अब तो हमें पौधा रोपण शुरू कर देना चाहिए। ये लो। अरे ये लो। अरे अंकल आपको शायद गर्मी चढ़ गई है, आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। ज्यादा दे दिए? आपको तो 30 रुपए वापिस देने थे, आपने 430 वापिस दे दिए। अरे तो आपने 70 रुपए का सामान लिया, 500 रुपए दोगे तो 430 ही वापिस दूंगा ना, कहाँ ज्यादा दे दिए। अंकल मैंने आपको 100 रुपए दिए थे और 70 रुपए का सामान लिया है तो आपको मुझे 30 रुपए वापिस देने थे। हाँ सॉरी, भूल से गलती से दे दी मैंने। ये लीजिए आपके पैसे वापस। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे लगा कि मैंने ज्यादा पैसे दे दिए? कि तुम अंधे होने का नाटक तो नहीं कर रहे? हम दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, मैंने मेरी मन की आंखों से देख लिया। मन की आंखों से? आपको कैसे पता लगा कि ये 100 का नोट है? दरअसल दुनिया की हर करेंसी में एक निशान होता है जिससे हम दिव्यांग लोग महसूस करके बता सकते हैं कि वो कितने का नोट है। जैसे ये 10 रुपए का नोट है। अच्छा, तो 1 मिनट रुको, ये बताओ फिर कितने का नोट है। पचास रुपए। अरे वाह, मेरे लिए तो ये नई जानकारी है सूरदास जी, कि दुनिया के हर नोट के ऊपर एक निशान होता है जिससे ये दिव्यांग भाइयों को पता लग जाता है कि ये कितने का नोट है। ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं रुको, आपकी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई आंखों वाला होता तो शायद पैसे लेके पार हो जाता, लेकिन आपने ईमानदारी से ये पैसे वापस दिए है ना। ये 400 रुपए आप रख लो, ये ईमानदारी होगी आपके लिए, मेरे लिए तो ये इंसानियत है। और ये पैसे आपके हैं तो आप ही रखिए। लेकिन मेरे लिए तो आपकी तरफ से ये बहुत बड़ी ईमानदारी है, ये आपकी ईमानदारी का तोहफा है, ये लो। अरे नहीं अंकल, ये पैसे आपके हैं, मैं नहीं ले सकता। अरे नहीं रख लो ना प्लीज। अब आपको कैसे समझाऊं अंकल? अंकल मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा काम अच्छा चल जाता है। तुम हो तो छोटे से सूरदास, पर तुम्हारे हौसले बहुत बुलंद है। आपको अगर मदद करनी है तो किसी जरूरतमंद की मदद करो, क्योंकि मैं भी वही करने जा रहा हूँ। चलता हूँ।